ओम नारायण नारायण नारायण। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैट्रिटल के बारे में इंसिडेंट अब मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, मैट्रिटल के साथ क्या क्या हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ हमारे चैनल पर आई है मैट्रिटल की, तो प्लीज़ आप उसको देखी जाएगी इस वीडियो को। सो दोस्तों बात करते हैं मैट्रिटल की। देखिए दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिटल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। मैट्रिटल को सेक्सुअली अक्यूज़ किया गया है और कोई एक शायद पुलिसमैन है जो कि मैट्रिटल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने अपने मैट्रिटल को सेक्सुअली अक्यूज़ किया है, जो कि काफ़ी सीरियस सीरियस मैटर है भाई, सही बोल रहा हूँ आपको। और आई थिंक ये मैटर अभी जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा है नहीं, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और मैट्रिटल ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट में, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर क्या क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, अक्यूज़ किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई सीधा सा इंसान है, अगर कोई इंसान अच्छा है सुंदर है उसकी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हाँ होती है। अगर आप उससे कुछ भी करें, आप उसको कुछ भी करने को कह दें, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उस पर हक है पूरी तरह से, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। और ये मैट्रिटल ने बोला है अपने शब्दों में। और भाई ये तो काफ़ी सीरियस मैटर हो गया यार। मतलब आज तक ऐसा हुआ, मतलब फीमेल के साथ तो ऐसा होता हुआ है बहुत बार, और लेकिन एज अ मेल रेसलर ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे को लग रहा है भाई, किसी ने ऑफिशियली आके ऐसा अनाउंस किया है। जो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं WWE में इस बात को शायद उठाया जाएगा, लेकिन शायद WWE इस बात को ऑफिशियल ना करे। और आई थिंक मैंने कहा भी था कि ये सीरियस मैटर है, इस पर शायद इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है भाई। जी हाँ बिल्कुल बैठ सकती है, क्योंकि मैट्रिटल ने ऑफिशियल इस बात को बोला है और ऑफिशियली आई थिंक अभी मैटर लंबा खींचेगा काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा। और WWE क्या करेगी इस बारे में भाई साहब, WWE क्या करेगी आई डोंट नो। WWE किस तरह से इस चीज़ को टैकल करेगी आई डोंट नो, रिएक्ट करेगी सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि WWE क्या मैट्रिटल की इस सिचुएशन पर एक्चुअली अक्यूज पर क्या रिएक्ट करेगी, जो कि अक्सर WWE इस चीज़ से भागती है। विंस मैकमैन के समय भी यही हुआ था, उन्होंने ज़्यादा कुछ ऑफिशियली नहीं किया था विंस मैकमैन के समय में, लेकिन हाँ लेकिन अब एक सुपरस्टार है वो मैट्रिटल कोई छोटा मोटा सुपरस्टार तो है नहीं, एक जाना माना चेहरा है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं शायद ये मैटर WWE को मतलब अपनी वेबसाइट पर कहीं मेंशन करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE इस बात को ऑफिशियल करेगी टीवी पर। लेकिन भाई शायद मैट्रिटल इस इंसिडेंट के बाद WWE से कुछ समय के लिए गायब हो सकते हैं, और किसी ने आई थिंक मैंने कहीं लिखा देखा था कि वो रिलीज हो सकते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला, मैट्रिटल की इसमें गलती है या उस मतलब कि किसकी है आई डोंट नो, उस बंदे की है, बट आई थिंक क्या होने वाला भाई किसी को कुछ नहीं पता। एंड देखना होगा क्या होता है, क्योंकि रिटल ने बोला तो भाई उस कॉप की गलती भी हो सकती है, क्योंकि कॉप की कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी पुरानी, कॉप के साथ क्या रिलेशन था रिटल का आई डोंट नो। बट आई थिंक अगर रिटल ने बोला तो भाई कुछ ना कुछ तो गेम है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है इसके अंदर। अब देखना होगा, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में पता चलेगी भाई क्या क्या होता है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट मैन। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत गलत हुआ रिटल के साथ। अब देखते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती है, WWE इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठा दे। बट आई थिंक मैट्रिटल यार हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है बंदा, आई थिंक और समझ नहीं आ रहा है और बंदा क्या है। पहले वो WWE में था, फिर उसने गोल्डबर्ग को पोक किया, ब्रॉक लेसनर को पोक किया, लेकिन अब खुद के साथ ऐसा हुआ है, तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर क्या चल रहा है मैट्रिटल के साथ यार। इवन कुछ समय पहले उसकी न्यूड फोटोज वायरल हुई थी। सो भाई अब इसमें कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन हुआ चलेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन भाई तब तक के लिए शायद मैट्रिटल WWE से ऑफ रह सकता है, टीवी पर नहीं दिख सकता है वो, क्योंकि इसका केस वगैरह चलेगा मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। अगर ये बात ऑनलाइन रिवील हुई है तो शायद ये आगे लग जाएगी। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मैट्रिटल के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। आप इस केस में अगर कोई फ्यूचर डिटेल आती है न्यूज़ या कुछ वेरिफिकेशन वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन, तो मैं आपको जरूर अपने चैनल पर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो डालने पर आपको पता चल जाए। ओके जय श्री भगवान नारायण, धन्यवाद।